त्रेता में सोने की, द्वापर में पारद शिवलिंग, और कलयुग में क्या कहा? कलयुग में जो लिखा है मिट्टी की, निष्काम पुण्येत नित्यं पार्थिवम् लिंगमुत्तमम्, जिसके घर में प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजन किया जाता है, शिव लोके सदा तिष्ठे, शिव भगवान के लोक में यानी कैलाश में शिव जी के साथ में सदैव वो निवास करता है। बोलो हर हर महादेव। बोलना पड़ेगा, कब तो नहीं बोले, बोलना बोलना पड़ेगा धीरे धीरे। प्रतिदिन बहुत लोग हैं, अलग अलग लिखा है, हरिद्रा का चूर्ण मिट्टी दोनों को मिलाकर बनाते हैं। जिनके घर में सबसे ज्यादा क्लेश है, अशांति है, वो गेहूं के चूर्ण में हल्दी मिलाकर उसका पार्थिव का निर्माण करें, और रुद्र सूक्त से, गुरु सूक्त से और श्री सूक्त से उसका प्रतिदिन अभिषेक करें। ये 41 दिन का प्रावधान है, 41 दिन आप करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बाबा की कृपा से प्राप्त होगा। उन्होंने याग में सूत जी ने कहा, बहुत अच्छा आप लोग ने प्रश्न किया है मुझसे, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हमें भस्म क्यों लगाना चाहिए, भस्म लगाने से क्या होता है। लिखा है शरीरांते भस्मात्, इस शरीर की अंतिम गति क्या है? तीन गति है, या तो जब हम जाएंगे हो सकता है कि कहीं हम पड़े रह गए तो चील कौवे खाकर पीट कर देंगे, या बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे, या तो फिर कोई उठाकर जलाकर उसे भस्म बना देगा। त्रिपुंड लगाना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदर। देखिएगा कोई घड़ी तिलक लगाते हैं, उनका भी तीन होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, चाहे आप सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है, सत्यम शिवम शिव ही। इसलिए हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए, या तो आप कुंभा लगा लो, और श्री तो लगाना ही चाहिए हम लोगों को, विशेष करके माताओं बहनों को तो कुमकुम, इसको कुमकुम बोलते हैं, कुमकुमम कामना दिव्यम, कामना काम संभव, कुमकुम लगाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, श्री तो होना ही चाहिए कम से कम, और सिंदूर तो प्रधान है ही, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, आपके सुख को वो प्रदान करता है। सिंदूर तो होना ही चाहिए मस्तक में, भस्म भी होने लगाए, थोड़ा ही लगाए। आप कभी साउथ की तरफ गए होंगे, देखे होंगे, वहां की माताएं बहने भी बड़ी सुंदर लगाती है तिलक भस्म किया। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या बताऊं, शर्म लगती है। अरे आए दिन हम लोग तो शर्म वाले काम करते रहते हैं, उसमें शर्म नहीं, लज्जा उसमें नहीं है, लेकिन अगर कहीं तिलक लगाने की बात आ गई, सिंदूर लगाने की बात आ गई, तो महाराज अच्छा नहीं लगता। अरे ये आपके लिए, हम लोगों के लिए तिलक मस्तक में होना ही चाहिए, भाइयों के लिए, चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मस्तक में तिलक होना ही चाहिए,
उन्होंने कहा भस्म तो लगाना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो भस्म लगाए। फिर उन्होंने कहा कि यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते, इस तरह से सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि महिदेव है, भूदेव है। हम भी आकर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। कथाकार का कोई वर्ण नहीं होता, ना हम विप्रो न वैश्यो न शूद्रो, नोवा वर्णी कोई वर्ण नहीं होता उसका। उसकी कथा में तो हर वर्ण के लोग आते हैं, लेकिन भगवान राम स्वयं वाल्मीकि में कहते हैं विप्र प्रसादम चाहिए, गौ का सम्मान होना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान होना चाहिए और छोटों से स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अरे एक बार की घटना है, ये कथा प्रकट हुई कैसे? इस कथा को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। वो लीला क्या है? लीला ऐसा है कि भगवान तो सदैव राम नाम का अवलंबन किया करते हैं, सदैव राम नाम जपा करते हैं, सदैव जाप किया करते हैं।